नमस्कार दोस्तों, मैं राजन तिवारी और आप देख रहे हैं ज्योतिष मंत्र। जैसे कि आप सब जानते हैं कि भारत में लॉकडाउन की स्थिति चल रही है और हर इंसान इसी बात को लेकर चिंतित है कि कहीं ऐसा ना हो जाए कि लॉकडाउन 3 भी हमें झेलना पड़े। मतलब ऐसा ना हो जाए कि भारत सरकार लॉकडाउन 3 भी अप्लाई कर दे। ये बहुत बड़ी चिंता, क्योंकि पिछले 1 से 1.5 महीने से हम लोग घर के अंदर हैं और हमें भी बाहर निकलने का मन करता है। अगर ऐसी स्थिति में हमको लॉकडाउन 3 भी आ जाए हमारे ऊपर, बहुत ही चिंता का विषय है और बहुत ही परेशानी का विषय भी है। तो आज हम इसी बात पर चर्चा करेंगे कि क्या भारत में लॉकडाउन 3 संभव है, भारत में लॉकडाउन 3 आ सकता है। जैसे कि आप ही कुंडली देख रहे हैं, भारत की कुंडली देख रहे हैं, उसमें भी आप देखेंगे कि चंद्र की महादशा चल रही है। और अगर हम नरेंद्र मोदी जी की कुंडली यानी प्राइम मिनिस्टर जी की कुंडली देखते हैं तो उसमें भी चंद्र की स्थिति यानी चंद्र की महादशा इस समय चल रही है। दोनों ही कुंडली अच्छी है और दोनों ही कुंडली में कहीं से ऐसे संकेत नहीं मिलते कि भारत इस स्थिति से नहीं निकल पाएगा। जैसे आप बाहर की कंट्रीज़ में देख रहे हैं कि बहुत ज़्यादा ये इन्फेक्शन बढ़ रहा है, लेकिन हमारे देश में इतना ज़्यादा इन्फेक्शन नहीं हो रहा है। मैं यहाँ पे कुंडली के माध्यम से एक चीज़ बताना चाहता हूँ आपको कि 24 अप्रैल की रात्रि से यानी कुल मिला के 25 अप्रैल से जो बुध ग्रह अपनी नीच राशि को त्याग कर सूर्य की राशि यानी मेष राशि में प्रवेश करेंगे। चूँकि जो बुध ग्रह होता है वो इन्फेक्शन का कारक होता है, यानी कि जो भी संक्रमण जैसी चीज़ें होती है, जो डिसीज़ होती है, उनका कारक होता है। अगर वो नीच राशि में था इसीलिए अभी तक इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम आ रही थी, लेकिन जैसे ही 25 तारीख से वो अपनी नीच राशि छोड़कर सूर्य की राशि यानी मेष राशि में चला जाएगा तो इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आएगी। और इसके बाद 4 मई से मंगल ग्रह भी कुंभ राशि में आ जाएंगे। इन दोनों के कॉम्बिनेशन से हमारे भारत की जो दशा है कोरोना को लेकर, वो आपकी दिन ब दिन सुधरती जाएगी। वैसे भी इस ग्राफ के थ्रू आप देख सकते हैं, ये कोविड-19 का ग्राफ है, जो अगर आप 15 तारीख से देखते हैं यानी जो सेकंड लॉकडाउन जो शुरू हुआ था तब से देखते हैं, तो इसमें इन्फेक्टेड लोगों का जो रेशो है वो उतना ज़्यादा इंक्रीज़ नहीं हुआ है। डे बाई डे इसमें थोड़ा बहुत चेंज आया, ज़्यादा चेंज नहीं आया, यानी कुल मिला के ये फ्लैट है। दूसरा ग्राफ है वो है रिकवरी वाला। रिकवरी में आप देखेंगे इसका ग्राफ बढ़ रहा है, यानी कि अच्छे होने वाले लोगों की स्थिति बढ़ रही है और इन्फेक्टेड लोगों की जो स्थिति है वो निरंतर सेम जा रही है, यानी कुल मिला के फ्लैट हो रही है। इससे ये पता चलता है कि हमारे देश में इतना बड़ा खतरा नहीं है। इस कारण से लॉकडाउन 3 आने की कोई गुंजाइश नहीं है। मान लीजिए कोई ऐसी स्थिति आ जाए जिसमें भारत सरकार को लॉकडाउन 3 लगाना पड़े, तो भी इसके मैं एक डाटा देता हूँ आपको। इसके लिए 70 से 75% जो स्टेट है वो इससे मुक्त रहेगी। अब मान लीजिए कि इस समय 35 स्टेट इससे इन्फेक्टेड है, उसमें से 2 स्टेट ऐसी है जो कि कोरोना मुक्त हो चुकी है। एक तो है गोवा और दूसरी है मणिपुर। इन दोनों को अगर हटा दिया जाए तो 33 स्टेट ऐसी है जो अभी इन्फेक्टेड लोग हैं वहाँ पर। तो इन 33 में से 70% अगर निकालते हैं तो वो कम से कम 22 राज्य आते हैं, और अगर 75 की बात करें तो 25 राज्य आते हैं। तो 22 से 25 राज्य ऐसे होंगे जिसमें लॉकडाउन 3 नहीं लगेगा। अब बचे 8 से 10 राज्य ऐसे बचे हैं जिनमें लॉकडाउन 3 लग सकता है, लेकिन वहाँ पर भी संपूर्ण लॉकडाउन नहीं रहेगा। वहाँ पर वो जगह, वो एरिया जो रेड जोन में है, जो जहाँ पर नंबर ऑफ केसेस ज़्यादा हैं, सिर्फ वहीं पर लॉकडाउन रहेगा, वहीं पर जो है सख्ती रहेगी, बाकी जगह ऐसी सख्ती नहीं दिखाई देगी। तो कैसा लगा आपको ये वीडियो और इसमें दी गई जानकारी? अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल ज्योतिष मंत्र को सब्सक्राइब कीजिए। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं एक नए विषय के साथ। तब तक आप रहिए खुश और मुझे दीजिए आज्ञा। जय हिंद।